आपकी लाइफ में, आपके जीवन में उसका क्या योगदान रहा होगा, हम थोड़ा सा बताएं प्लीज। तूफान महान घोड़ा था जी, उसने मेरे गांव का को एक पहचान दिलाई जी राष्ट्रीय स्तर पर जी। इस मारवाड़ी जो घोड़ा लाइन है जी, उसमें गांव सांगरिया की एक जो स्थान दिलाया ठीक है, उस घोड़े ने ब्रीडिंग में उसके मुकाबले मैंने घोड़ा नहीं देखा जी। हुकम, बहुत अच्छे जानवर हुए उसके, आलीशान, आलमारा, राजलक्ष्मी, और उसी लाइन के हैं ये दिलबाग, काला कांटा, जो भी आज अच्छे घोड़े हैं उस लाइन के। एक तरफा भूमिका उसने निभाई है, मतलब एक बिल्कुल, मतलब अगर तो अगर मेरे गांव को एक राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बनाई है जी उस घोड़े ने बनाई है, गांव की और मेरी और हमारे स्टेबल की जो बनाई है उस घोड़े की बदौलत है। यही तूफान की ब्लेसिंग्स यहाँ पे है, ऐसा नज़र आता है। आज हम लोग हैं सांगरिया स्टेबल्स में, और सांगरिया के जो स्टेबल्स हैं उनके ओनर हैं बिट्टू बना, नाम लोकेंद्र सिंह राणावत है जी, सांगरिया स्टेबल के नाम से स्टेट फार्म है जी। मारवाड़ी घोड़ा क्या अच्छा दिखने में, सुंदर हो जी, लंबी गर्दन हो जी, करेक्टर वाइज अच्छा हो दिखने में, बड़ी आंखें हो, के कान सुंदर हो, मुंह छोटा हो जी, उसकी जो गामची है वो भी छोटी होनी चाहिए जी, बड़े सूंड हो जी, लेंथ का हाइट वाइट भी अच्छी होनी चाहिए, ओके, दिखने में सुंदर हो, ओके, चंचल हो, ओके। तूफान के कुछ रिजल्ट्स हैं, हाँ मेरे पास काफ़ी है, 5-6 जानवर है, लगभग कितने और सब घोड़ियाँ ही हैं आपके पास? घोड़ियाँ हैं, एक घोड़ा है करंट। अच्छा, एक घोड़ा है करंट। तो सर हम करंट के बारे में तो बात करेंगे ही, आप उससे पहले आप आपके पास एक घोड़ी है राजलक्ष्मी, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बताएं सर प्लीज। वो इसकी है तूफान की डायरेक्ट जी, उसकी माँ है चंपा करके घोड़ी थी मेरे पास, चंपा तेज तरार घोड़ी थी, ओके, ताजन की थी, ताजन होती थी, ओके। उस घोड़ी के ये 5-4 जानवर हुए जिसमें एक जो भी वो मैंने जोल साहब को दी थी घोड़ी, अब वो घोड़ी वहाँ तारी भाई के वहाँ खड़ी है, ओके, राजलक्ष्मी से बड़ी है वो, राजलक्ष्मी से बड़ी है, सेम मदर और सेम फादर, फिर राजलक्ष्मी है, फिर एक पट्टेदार कहते हम वो है, करंट है, करंट है, 4-5 रिजल्ट है उस घोड़ी के और डायरेक्ट तूफान, ओके। तो राजलक्ष्मी की लगभग उम्र के बारे में अगर बात करें सर तो कितनी है इसकी? ये 2007 बोन है, 2007 बोन है, और कितने अभी तक आपको रिजल्ट्स इसने दे दिए हैं? इसकी 3 बछेरियाँ मेरे पास में, ओके, ये 4 बछेरियाँ थी, एक ख़त्म हो गई उसकी, अभी 3 बछेरियाँ हैं, एक बछेरा दिया इसने, ओके, 2 बछेरे दिए सॉरी, वो एक छूट गया और एक गुजरात सेल कर दिया मैंने। अच्छा, एक गुजरात सेल कर दिया, ओके ओके ओके। तो राजलक्ष्मी के बारे में अगर बात करें तो राजलक्ष्मी आपके फार्म की खास एक घोड़ी, मेरी फेवरेट घोड़ी, फेवरेट घोड़ी कह सकते हैं, फार्म की खास घोड़ी कह सकते हैं, ओके ओके ओके। तो आप इसके जो रिजल्ट्स हैं हुकुम, वो उनमें भी इसका पूरा मतलब छवि आ रही है इसमें रिजल्ट्स में पूरा, और ये जो इसके बच्चे बच्ची हैं, इसकी बच्चियां हैं वो इससे भी 21 आ रहे हैं, 21 है, ओके, ऐसा आपका बिलीव है तो ओके। तो आपके पास जो घोड़ियां हैं इसकी, वो उनकी क्या लगभग क्या कन्फर्मेशन, कितनी हाइट की हो गई है वो लगभग अब तक? मेरे पास 64 की भी है, इसी की घोड़ी राजलक्ष्मी की 63 है, ओके, 63 की 2 है, एक छोटी बच्ची है अभी 4-5 महीने की, ओके ओके ओके। तो सर कुल मिला के कितने अश्व हैं आपके पास अभी आज की डेट में? मेरे पास 18-20 हैं, ओके ओके ओके। और करंट की अगर बात करते हैं सर हम, तो करंट अपने यहाँ पे ब्रीड हुआ? मेरे यहाँ ही ब्रीड हुआ, ओके। तो करंट की डैम आपके पास थी, उसकी क्या डिटेल थी सर? राजलक्ष्मी का रियल ब्रदर है। अच्छा, राजलक्ष्मी का रियल ब्रदर, एक ही माँ और एक ही बाप, ओके, सेम मतलब पेरेंट से, बिल्कुल सेम, ओके ओके, वही ताजन वाली जो आपके पास घोड़ी थी उसका ये बच्चा है।
तो ये राजलक्ष्मी से बड़ा है कि छोटा है करंट? छोटा है। छोटा है, ओके। राजलक्ष्मी इसका करंट का कितना है? एक साल छोटा है। एक साल छोटा है, तो सर करंट के कितने रिजल्ट सब अब तक आपने ले लिए हैं आपके आपके पास? वो लोग मिला के देखें 20 रिजल्ट होंगे ओवरऑल, ओवरऑल पूरी इंडिया में? पूरी इंडिया। ओके सर, क्या कारण रहा इसका इतने कम रिजल्ट्स? क्योंकि मेरे पास में जो गुड़िया थी वो डायरेक्ट तूफान की थी, तो भाई बहन के हिसाब से फिर वो मैंने तो ब्रीडिंग की नहीं। ओके, फिर जो दूसरी गुड़िया लाया मैं उससे मैंने इनसे रिजल्ट लिया करंट। ओके, तो क्या सर इसका मतलब, जैसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छा और बहुत ख़ास घोड़ा आपके पास अगर रहा है और उसके रिजल्ट्स अगर 20 हैं, तो कुछ उसकी आप उसके प्रति उसके मतलब इस पॉइंट से अगर हम सोचें तो आपका क्या इसके इसके पीछे मोटिव है कि कम से कम रिजल्ट्स एक घोड़े के होने लेने चाहिए? नहीं नहीं, एक घोड़े के जीवन काल में सबकी अलग अलग थ्योरी है। थ्योरी है, ओके ठीक है। आपका पर्सनल बिलीफ क्या है सर? मेरे पास तो घोड़ियाँ जो थी ओके ठीक है, वो इसी लाइन की थी होगा, इसलिए मैंने ब्रीडिंग नहीं की होगा। और फिर अभी मैं दूसरी दो चार घोड़ियाँ अच्छी नस्ल की लेके आया हूँ, उसके और करंट के मेरे पास अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। ओके, और मैं मेरे स्टेबल में सर करंट के सर कुछ कुछ बच्चों में कुछ खास बच्चे आपके पास अभी तक जो हुए उनमें से सबसे आपके करंट का जो भी बच्चा है वो खास ही है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और आपके पास जो बच्चे हैं उनमें से हम कोई जो बच्चे दिखा रहे हैं अभी उनमें से क्या डिटेल है? एक ब्लैक वाला आपके पास जो ब्लैक देखा स्टार वाला, हाँ उसकी माँ अभी 2-4 महीने पहले छूट गई, वो अच्छी घोड़ी थी करंट की? नहीं मतलब बच्चा जो है करंट का ही है, रिजल्ट करंट का ही ना? करंट का रिजल्ट। और उसकी मदर छूट गई? उसकी मदर छूट गई, और उसका भाई है जो रोहित में खड़ा है माँ की तरफ से। ओके, वो दिलबाग का है, ये करंट का है। ओके, तो डैम वो थी इनकी दोनों की, और रोहित में इसका इस मतलब सेम ओंकारा करके जो स्टेलियन का है रोहित, हाँ वो उसी घोड़ी का था, और उसका ये भाई है माँ साइड से, माँ साइड से भाई ओंकारा का। और सर एक दूसरा हम ये जो एक बच्चा देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कुमेद कलर का जो बच्चा आपके पास, उसके बारे में सर डिटेलिंग क्या है? ये जो राजलक्ष्मी घोड़ी है मेरी उसकी बच्ची एक सरताज करके। अच्छा, राजलक्ष्मी की बच्ची सरताज? हाँ, उसका ये बच्चा है। अच्छा, राजलक्ष्मी की नानी होगी? राजलक्ष्मी की नानी होगी। नानी होगी, ओके ओके। तो क्या इस तरह के बच्चों का सर क्या मतलब आप क्या देखते हैं इस बच्चे में, इस फ्यूचर क्या देखते हैं, कितनी हाइट का हो जाएगा या किस तरीके का इसका वो रहेगा? मेरे हिसाब से इसकी हाइट 65 के लगभग होगी, बोन स्ट्रक्चर का बहुत मजबूत है जी, इसका जो गर्दन है वो भी बहुत अच्छी है, नेक केरेज है इसका वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा, चेस्ट मजबूत जी, सोम लैन, छोटा मुँह है, पूरा ब्लेज है, और जो फेवरेट कलर है मेरा कुमेद वो है। ओके, आपका फेवरेट कलर है कुमेद कलर, ओके ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो अब सर मैं एक लास्टली एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि घोड़ों को अब गर्मी आ रही है तो घोड़ों को खान पीन के हिसाब से क्या और मतलब किन बातों का नए लोग ध्यान रखें? पुराने लोग जो हैं उनको तो सबको पता है कि कैसे घोड़े रखने चाहिए गर्मी में, बट विशेष तौर पर नए लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कॉलिक, कॉलिक की, पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और कोई भी चारा जो चेंज करें एकदम है ना, एकदम नहीं करें उसको, धीरे 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 करके फिर चेंज करें, फिर चेंज करें। कोली की सबसे बड़ी समस्या है गर्मी में, तो पानी का ध्यान रखें, पानी का विशेष ध्यान रखें, घोड़े को डिहाइड्रेट ना होने दें। ओके ओके ओके। और सर लास्टली खास बात कुछ नए लोगों के लिए कुछ जो आप अश्व जगत में कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं या आप मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। तो यही है अच्छी नस्ल के घोड़े रखें, अच्छी लाइन के घोड़े रखें, और अच्छे घोड़ों से ब्रीडिंग करें, और खिलाई पिलाई कर अच्छा ध्यान रखें, सेवा बढ़िया सेवा होनी चाहिए, सेवा करें, और अच्छी लाइन के जानवर रखें।